Hooray, it's Diwali time. I'm super excited today, guys. After long Corona's wait, 6-7 महीने से हम कोरोना की वजह से घर में थे एंड लॉट ऑफ नेगेटिविटी मूविंग अराउंड. अब बहुत दिनों बाद एक फेस्टिवल का सीजन आ रहा है एंड दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम ऑफ द ईयर. सो मैं आपको बोलूँगा आप क्या छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं अपने घर में पॉजिटिविटी के लिए, दिवाली के लिए डेकोर को इम्प्रूव करने के लिए, और आपको दिवाली पे अपना घर नया कैसा लगेगा. आप बोर हो गए होंगे आई एम श्योर अपने घर से 6-7-8 महीने में, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से घर पे थे. तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में आप क्या क्या सामान डायरेक्टली अमेजोन से खरीद सकते हैं, आपके घर पे डिलीवर होगा और विद इन लेस देन 5,000-10,000-12,000 रुपीज यू कैन हैव अ न्यू लुक ऑफ योर हाउस. एक्साइटेड आई एम. चलो लेट्स गो डीप इनसाइड. हाय गाइस, दिस इज शशांक जैन, वेलकम टू माय चैनल वुडोफा. आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ दिवाली की टिप्स अपने घर के लिए क्या करें. तो पहला टिप जो मैं कवर करता हूँ वो है एंट्रेंस. आप अपने घर पे मिरर्स लगा सकते हैं एंट्रेंस पे या पैसेज गैलरी पे, या जैसे अपने घर के एंटर करते हैं, सो दैट आपको वो छोटी स्पेस बड़ी दिखे. ज़्यादातर अपार्टमेंट में या घरों में वो छोटी एंट्री पैसेज गैलरी होती है या स्पेस होती है कंसोल्स के ऊपर, चाहे वो एंट्रेंस कंसोल्स हों, टीवी कंसोल्स हों, कोई और कंसोल आपके घर में, वो स्पेस को आप यूज़ कर सकते हो मिरर लगा के. सो पहला प्रोडक्ट मैं दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वेयर देर आर टू शेप मिरर्स. ये मिरर्स 18-24 इंचेस के साइजेस में हैं, ये लगा सकते हैं. मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन नीचे चेक कर लीजिए, उनको बाय कर लीजिए वहाँ से. मैं एक एक मिरर जो मैं आप कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो आपको सारे लिंक्स में नीचे इस डिस्क्रिप्शन के वीडियो में दूंगा. सेकेंड जो मिरर है दैट इज़ अ सन शेप्ड मिरर. ये मेटल आर्ट की तरह भी काम करता है, ये एक डेकोरेटिव मिरर की तरह भी काम करता है. इसको खाली मिरर की तरफ ना सोचें, अगर इसको डायरेक्टली कंसोल के ऊपर या मे बी 2 या 3 मिरर्स इसी टाइप के छोटे छोटे साइज, थोड़ा बड़ा साइज 24 इंचेस, 18 इंचेस, 12 इंचेस का लगा लेंगे तो एक अच्छा सा वॉल डेकोर बन जाएगा. तीसरा मिरर इज़ अ फ्लावर शेप मिरर. इसके अंदर बहुत छोटा सा मिरर होता है बीच में, बाकी पूरा फ्लावर है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. तो ये भी एक अच्छा डेकोर मिरर है और ये भी वेरियस साइजेस में अवेलेबल है. नाउ कई बार हमारे पास काफ़ी बड़ी वॉल्स होती हैं और कंसोल्स हमारे पास छोटे होते हैं, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव 3, 4 और 5 टाइप ऑफ डेकोर एलिमेंट्स और मिरर्स. तो अभी जो मैं मिरर दिखाने वाला हूँ ये 3 मिरर्स हैं राउंड शेप्ड, तो आप इनको 3 का सेट भी ले सकते हैं या 2 सेट्स भी ले सकते हैं, 6 मिरर्स भी बना सकते हैं और आप इसको एंट्रेंस पे या आपकी एक छोटी पैसेज गैलरी में भी लगा सकते हैं. सो नाउ दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, ये सन शेप मिरर है अगेन, इसका अच्छा डेकोर साइड में दिखता है और बीच में ये मिरर है, तो ये भी एक बहुत अच्छा मिरर है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको भी आप लगा सकते हैं. ये वाला मिरर भी बहुत अच्छा है गाइस, दिस इज़ द 6th मिरर आई एम शोइंग यू टुडे. सो इसके अंदर आप देखेंगे लंबे लंबे इसके लेग्स निकल रहे होते हैं और बीच में ये मिरर का शेप होता है. ऑल ऑफ दीज आर मेटल एलिमेंट्स और ये सब लोग चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, तो जनरली दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइनीज कंपनीज और चाइना से, और डेकोर ज़्यादातर वहीं से आता है. हमारे देश में बहुत कम डेकोर बनता है, देर आर वेरी वेरी फ्यू मार्केट्स जहाँ पर इंडियन डेकोर अवेलेबल है. अब हम कवर करने वाले हैं प्लांटर्स. सो आप अपने घर में बहुत सारी छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने एक वीडियो में, मेरा एक वीडियो ऊपर देखिए आएगा, हाउ टू चूज़ द राइट प्लांट फॉर योर हाउस, तो उस वीडियो में मैंने और डिटेल में बताया है कि आपको किस तरीके का आर्टिफिशियल या नेचुरल प्लांट चूज़ करना चाहिए इंडोर या आउटडोर के लिए. आज मैं यहाँ पर आपको वो प्लांट्स दिखा रहा हूँ जो डायरेक्टली आप अमेजोन से खरीद सकते हैं. सो 5-6 प्लांट्स खरीद लीजिए, विद प्लांट्स खरीद लीजिए और अपने घर में लगा दीजिए, तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. और ये प्लांट्स को लेके आइए, मे बी आपके बाथरूम में डाल दीजिए या लिविंग रूम में एक टीवी यूनिट है उसके साइड रख दीजिए, या सोफ़ा है तो सोफे की साइड टेबल के ऊपर रख दीजिए. ऐसा बहुत सारी जगह पर आप ये मिरर्स और ये प्लांटर्स को रख सकते हैं. सो पहला प्लांटर जो मैं दिखा रहा हूँ ये छोटा प्लांटर है, एक छोटा प्रोडक्ट है जो किसी शेल्फ पे रखा जा सकता है या एक टेबल पे रखा जा सकता है. दूसरा प्रोडक्ट इज़ अ बिग प्लांटर, ये फ्लावर वॉश का काम भी करता है, इसको ज़मीन पे भी रख सकते हैं, मे बी यू कैन कीप इट ऑन द टेबल एज वेल. सो थर्ड इज़ अ बिग प्लांटर, ये जनरली मैं बोलता हूँ एंट्रेंसेस पे रखिए या घर के बाहर रख लीजिए, अगर आपके लिविंग रूम में स्पेस है तो वहाँ रख लीजिए. उसके ऊपर एक नेचुरल या एक आर्टिफिशियल प्लांट भी आप डाल सकते हैं. चौथा इसके अंदर मैं जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ इज़ अ प्लांट, सो एक ये नेचुरल प्लांट है या एक आर्टिफिशियल प्लांट भी आप ले सकते हैं और ये आप डायरेक्टली अमेजोन से खरीद सकते हैं. या अगर आपको प्लांटर्स लगता है या प्लांट्स लगता है कि अमेजोन से मैं ना खरीदूं, तो आप अपनी लोकल नर्सरी की शॉप पे जाएं, वासेज और प्लांटर्स अमेजोन से मंगा लीजिए और वहाँ से आप अपने नेचुरल प्लांट्स खरीद सकते हैं.
सो अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये भी बहुत एक्सक्लूसिव डेकोर प्लांट्स हैं। सो आप इन्हें वाइट बेस फाइबर बेस जिसको बोलते हैं उसमें भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर थोड़े पेबल्स डाल दीजिए। प्लांट्स डालना है डाल दीजिए, नहीं डालना तो खाली वाइट का वास भी रख सकते हैं अपने घर में। सो नाउ दिस इज़ अगेन अ बिग राउंड शेप्ड ओवल शेप प्लांटर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, ये दिख रहा है आपको। सो इसको भी आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स कवर करने वाला हूँ इसके अंदर, जो कि आपकी किसी भी टेबल के ऊपर, कॉफ़ी टेबल है या सेंटर टेबल है या कंसोल है, इवन या टीवी यूनिट है, इवन आपके बेड की साइड टेबल है उस पर भी रख सकते हैं। थोड़ा अच्छा डेकोर लगता है और आपके घर की फील थोड़ी चेंज हो जाती है। सो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक वास है, यहाँ पर भी एक वास है विद अ प्लांट। ये एक मेटल आर्ट एलिमेंट है जो आप किसी भी एक वॉल पे, एंट्री की वॉल पे या बेड के ऊपर वॉल पे या सोफे के पीछे वाली वॉल पे लगा सकते हैं। अब जो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ ये एक बहुत ही अच्छा थ्री शेप्ड एलिमेंट है जिसके अंदर देर आर थ्री ह्यूमंस, दे आर ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल। तो ये अच्छा एक डेकोर एलिमेंट है, थोड़ा सा मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट फील डालता है घर में। अगर आपकी घर की टोन मॉडर्न है तो आप ज़रूर इसे कहीं ना कहीं किसी एक कॉर्नर में या मे बी साइड टेबल के ऊपर या मे बी कंसोल के ऊपर लगा सकते हैं। अगेन दीज आर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स गाइज। तो ये आप देखिए लेटे हुए बुद्धा जी दिख रहे हैं, तो आप ये एंट्रेंस कंसोल पे लगा सकते हैं या टीवी यूनिट पे लगा सकते हैं। सो देर इज़ अ फेस मास्क, ये भी एक अच्छा डेकोर एलिमेंट है जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है, होम सेंटर पे, होम टाउन पे और बहुत सारी जगह पर मिल जाता है। सो देन देर इज़ अनदर वास विच इज़ इन ब्लू शेप एंड ब्लू कलर। तो ये भी अमेजोन से आप डायरेक्टली ला सकते हैं और अपने घर को सुंदर सजा सकते हैं। अभी बहुत सारे टिप्स बाकी हैं, तो गाइज आई विल से एंड तक वीडियो देखिए। मैं बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो आप वैसे ढूंढेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, नहीं समझ में आएगा। मैंने बहुत टाइम लगा के इसको सेग्रीगेट किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। ओके, सो गाइज एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में पेंटिंग्स किस तरीके से होनी चाहिए, क्या वो कैनवस की हो या वो डिजिटल प्रिंट हो या मेटल आर्ट हो। तो मैं ये कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे जो कि कैनवसेज हैं। इसके अंदर कुछ डिजिटल प्रिंट्स भी हैं, तो अमेजन पे आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये एक अच्छी पेंटिंग है, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। ये आप अपने घर में किसी भी कंसोल के ऊपर या इवन टीवी यूनिट के साइड में भी लगा सकते हैं। थोड़ी जगह है अगर आपके सोफे के बैक के पीछे, तो ये दो या तीन सेम कलर की एग्जैक्टली सेम साइज़ की पेंटिंग भी लगा सकते हैं। ये एक वॉल गैलरी है गाइज। तो वॉल गैलरी क्या होती है, मैं इसको अक्सर अपने क्लाइंट्स के यहाँ लगाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि इसमें आप अपने पिक्चर्स या आपने जहाँ आपने वर्ल्ड ट्रैवल किया है, आप चाहे शंघाई गए हैं, चाहे न्यूयॉर्क गए हैं, चाहे लंदन गए हैं, या फिर आप इंडिया में भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको बहुत शौक है ट्रैवल का, तो ये पिक्चर्स लगा सकते हैं वहाँ पर। तो ये वॉल गैलरी पूरी बनी बनाई आपको अमेजन से मिल जाएगी। डेफिनेटली प्रिंट आपको खुद करनी पड़ेंगी पिक्चर्स, बाकी आपका काम आसान हो जाएगा। सो अगेन गाइज दिस इज़ ब्यूटीफुल पीस ऑफ डेकोर। ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। अगर आप डेकोर शॉप पे जाओगे उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं बोलता हूँ ऑनलाइन डेकोर को शॉप कर लीजिए घर बैठ के आराम से। मेरे सारे लिंक्स हैं, इन सब पे क्लिक करके आप एक एक डेकोर, सजेस्टिव डेकोर और फील डेकोर ले सकते हैं आपके घर की फील के हिसाब से। सो यहाँ पर एक ज़ेब्रा है इस पेंटिंग के अंदर, एंड देर आर फ्यू मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट्स। तो ये भी आप अपने घर में बेड के ऊपर या ड्राइंग रूम में किसी एक वॉल पे जो आपकी कॉर्नर वॉल है उस पे लगा सकते हैं। अब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डेकोर हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सीटिंग पोस्चर में एक म्यूरल है, ये लगा सकते हैं। देयर इज अ गाय हु इज प्लेइंग अ गोल्फ, ये लगा सकते हैं अगर आपको शौक है। एक मेटल आर्ट बहुत पॉपुलर है, ये बहुत सारे तरीके के मेटल आर्ट्स आजकल जोधपुर में बनते हैं हमारे देश में, तो ये आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं और ये लगा सकते हैं। गाइज ये सब तो डेकोर का हो गया, लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने सिर्फ लाइट्स के बारे में बात करी थी। मुझे बहुत शौक है लाइट्स का, तो मैं अपने घर में या अपने क्लाइंट्स के घर में ज़रूर डेकोर प्लेस कराता हूँ। मेरी सारी टीम डेकोर के ऊपर और लाइटिंग के ऊपर काफ़ी फोकस रखती है। सो ये बहुत अच्छे अच्छे लाइटिंग शैंडलियर्स, हैंगिंग लाइट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि आपके इन एग्जिस्टिंग घर, आपने अपना घर कैसा भी बनाया हुआ है उसको लगा के इसको फिलअप पंप अप कर सकते हैं। तो लाइक ये शैंडलियर है जो कि मैंने एक बार थोड़े दिन पहले अपने फेसबुक के डिज़ाइन ग्रुप में डाला था। सो गाइस हमारा एक डिज़ाइन ग्रुप भी है फेसबुक पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं डिज़ाइन लवर्स के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो आप उस ग्रुप में जाके और भी ज़्यादा मेरे से जुड़े रह सकते हैं और मैं और भी टिप्स आपको दे सकता हूं। तो ये एक शैंडलियर है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अनदर पेंसिल शैंडलियर, ये भी काफ़ी अच्छा गोल्ड फिनिश का फील शैंडलियर है। ये तीसरा शैंडलियर है जो कि एंटीक लाइटिंग में फिलामेंट बल्ब के साथ है, तो इसका थोड़ा मिरर फ्रेम इज़ लाइक सिल्वरिश है, बहुत अच्छा लगेगा।
देन आप कुछ हैंगिंग लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, मे बी बेड साइड टेबल्स के ऊपर या एक कॉर्नर ऑफ द सोफ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल लाइट है, अगर आपके घर में थोड़ा सिल्वर टोन है, थोड़ा मॉडर्न टोन है, तो ये लाइट बहुत ही सुंदर लगेगी। गाइज ये एक रोज़ गोल्ड कॉपर फिनिश की एक लाइट है विच इज़ अ हैंगिंग पेंडेंट, तो ये बहुत पॉपुलर है, आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिलेगा। आप इसको बेड साइड टेबल के ऊपर लगा सकते हैं, आप इसको सोफे के साइड में लगा सकते हैं और बहुत सारे कॉर्नर्स में इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं। सो ये अब एक ब्लैक मेटल सिंगल हैंगिंग लाइट है। इस लाइट के साथ सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, जैसे आप इस लाइट को ऑन कर देंगे रात में, तो इसकी जो लाइट की इफेक्ट आएगा वो आपके घर का डेकोर वैसे भी इनहेंस कर देगा। आपको मेन लाइट ऑफ कर देनी है और सिर्फ ये हैंगिंग लाइट को ऑन कर देना है, जो कि मैं लेफ्ट में आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर की। सो देन ये राइट में भी एक और हैंगिंग पेंडेंट है, ये भी आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बहुत सस्ता है, 600-700 रुपये का मिल जाता है, आप इसको साइड टेबल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। सो गाइज आई एम श्योर कि आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं और बहुत सारे टिप्स इसमें दे सकता हूँ, थोड़ा आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो आखिर तक देखते रहें, मज़ा आएगा आपको देखने में। आई एम श्योर आपको एक एक एलिमेंट बहुत अच्छा लगेगा, मैंने हैंड पिक किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। सो अब आप ये भी एक प्लांटर का टाइप है, जिसके अंदर एक थोड़ा एंटीक वुड लॉक प्लांटर है, उसके ऊपर एक नेचुरल प्लांट या एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा जा सकता है। ये गाइज ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, इसको मैं शेल्फ बोलता हूँ। तो आप ये अपनी प्लेन वॉल, आपको अपने घर में कोई डेकोर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये तीन शेल्फ्स को एक अच्छे से कॉर्नर पे या सोफे के बैक में या बेड के पीछे या साइड में लगा दें, आपका पूरे रूम का फील चेंज हो जाएगा। ज़रूर बाय कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और इसको इमीडिएटली अपने कारपेंटर को बुला के प्लेस कर दीजिए। सो ऐसे गाइज मैं अब आपको ना अपने वीडियोज़ के कुछ कुछ लिंक्स इस एंड स्क्रीन और कार्ड्स पे दे रहा हूँ, थोड़ा आप देख लीजिए वीडियोज़ मेरे, और डीप में देखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा और आप और बहुत सारी चीज़ें अपने घर में कर सकते हैं। गाइज़ आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत मेहनत करी है इन सारे डेकोर और इन सारे लाइटिंग प्रोडक्ट्स को आपके लिए लेके आने के लिए। आप ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मैंने पिन भी किया है उसको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन पे भी डाला है, तो आप ये सारे लिंक्स के थ्रू आप अपना सामान खरीद सकते हैं और अपने घर का डेकोर और लाइटिंग चेंज कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन में ज़रूर क्लिक करिएगा, उससे आपको ऑल द न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल हियर, साइनिंग ऑफ शशांक जैन।